जी गौशाला में 25 साल पूरे होने पर रजत जयंती महोत्सव पर श्री राम कथा का आयोजन हो रहा है, जिसके पांचवें दिन कथावाचक तुलसी पीठाधीश्वर स्वामी श्री राम भद्राचार्य महाराज ने कहा कि लगातार सीताराम हनुमान का कीर्तन करते रहना चाहिए, इससे हनुमान जी बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं, जिसका कोई अंत नहीं कर सकता। ऐसे भगवान राम है, प्रभु नाम ही सबसे बड़ा नाम है। भगवान राम नाम का जप हम सबसे पहले करते हैं। भगवान राम के हृदय में भगवान विष्णु विराजमान है। भगवान राम की पूजा करने से सभी देवताओं की पूजा हो जाती है। भगवान राम के हृदय से चंद्रमा और नेत्र से सूर्य झलकता है। आज तक के इतिहास में मैंने कभी शास्त्रों का अपमान नहीं किया, इसका मेरे पास प्रमाण है जिसको मैं प्रस्तुत कर सकता हूँ। भगवान राम ही सर्वोपरि हैं। दशरथ के चारों बालक बहुत ही सुंदर हैं। वहीं 11 दिन के होने के बाद उनका नामकरण किया गया और गुरु वशिष्ठ ने बड़े पुत्र का नाम राम रखा। इसी के साथ कहा कि वाल्मीकि ने भगवान राम का चरित्र गाया था।